हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज मैं मूवी रिव्यू करूंगा नैनी को। जी हाँ, ये 2022 लिए जी एक गजब की हॉरर थ्रिलर फिल्म है। मेरे को लगता है दोस्तों, अब हॉरर फिल्म का जो हॉरर फिल्म है ना, वो हद से ज़्यादा बनकर आ रही है। एक से एक गजब के कंटेंट बन के आ रहे हैं। लास्ट के दोस्तों पिछले दो महीनों के अंदर ना जोरदार फिल्में देखी हो यानी हॉरर की, वो सब की सब पसंद आई है। और उन्हीं में दोस्तों एक और मूवी जुड़ने वाली है जिसका नाम है नैनी। इस फिल्म की दोस्तों कहानी है एक ऐसी लड़की की यानी नैनी की, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, जिसको एक मतलब आत्मा का सामना करना पड़ता है। अब वो क्यों हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, वो है दोस्तों फिल्म की बेसिक कहानी। देखो, फिल्म की जो हॉरर फिल्म होती है उसकी कहानी थोड़ी सी ना मतलब नहीं ढूंढो, यानी उसकी कहानी मत ढूंढो। उनकी सिनेमोग्राफी, उनके हॉरर सीन, उनके थ्रिल वो देखो, ताकि बंदा उनमें मतलब खुश हो जाए, यानी कि उनसे जुड़ जाए, उनके कैरेक्टर से जुड़ जाए और फिल्म में कहीं में बोर ना लगे। हमने अगर मूवी देखी है तो ऐसे लगी यार, हाँ ठीक, अच्छी फिल्म देख ली है हमने, इस फिल्म के लिए बोर कहीं भी महसूस नहीं किया है। तो ये उन्हीं हॉरर फिल्मों के अंदर भी एक ये बेस्ट फिल्म बनने वाली है। इसका हॉरर जो सेलिमेंट हैं वो गजब के हैं। जो भी आप हॉरर सीन देखोगे नाइट वाले, वो गजब के लगते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। फिल्म की डबिंग भी बहुत ही शानदार है, यानी फिल्म मुझे कहीं भी बोर नहीं किया। मैं ये नहीं बोल सकता तो यार मैंने फिल्म देख कर मतलब मूड ख़राब हो गया यार, फिल्म भी को बेकार थी। फिल्म अच्छी है, फिल्म की सिनेमोग्राफी सुपर्ब है। हॉरर में जो VFX सीन डाले गए ना, वो गजब के हैं। हिंदी डबिंग भी सुपर्ब की गई है, यानी फिल्म कहीं से भी हमें बोर नहीं लगती है। तो अगर आप वो लवर हो या आपको फिल्में पसंद है बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की, वो भी हॉरर की, तो ये फिल्म आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लगे मत अच्छी देखने मिली चैनल पर तो आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हो अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।